दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम T20 मैच में आया कप्तान सूर्य कुमार यादव का तूफान, 32 गेंद में शतक ठोककर रच दिया इतिहास। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके लिए भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इस बीच कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अंतिम T20 मैच में अपना तूफानी प्रदर्शन कर दिखाया। इस बीच उन्होंने सबसे तेज शतक ठोककर एक ऐसा तूफानी प्रदर्शन कर दिया जिसके सामने बांग्लादेश की टीम के गेंदबाज खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सबसे तेज शतक लगाकर विरोधी टीम को चारों खाने चित कर दिया है, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में उनकी तूफानी पारी का वीडियो भी अब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से कौन है सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले दोनों मैचों अंदर भारतीय टीम ने जीत दर्ज करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया और सीरीज को अपने नाम कर लिया। ऐसे में अंतिम मैच आज के दिन हैदराबाद के मैदान पर खेला गया, जहां पर आज इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस दौरान भारतीय टीम का पहला विकेट पहले ओवर में अभिषेक शर्मा के रूप में 0 रन के स्कोर पर गिर गया, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव आए, जिन्होंने आते ही तूफानी प्रदर्शन कर सभी को चारों खाने चित कर दिया। जी हां दोस्तों, इस मैच के अंदर सूर्य कुमार यादव ने अपना खाता पहले ही गेंद पर बाउंसर का फायदा उठाते हुए सुपला शॉट के जरिए खोल दिया और बता दिया कि आज सूर्य कुमार यादव इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जिस प्रकार से सूर्य कुमार यादव ने T20 कप के अंदर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले का फायदा उठाया था, उसी तरीके से यहां पर भी सूर्य कुमार यादव ने पावर प्ले में तूफानी बल्लेबाजी के जरिए फायदा उठाने का कार्य किया। इस मैच के अंदर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अब इसी ओवर में बेहतरीन तरीके से टाइमिंग के साथ 2 और बेहतर चौके लगा दिए। अब सूर्य कुमार यादव ने काफी ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद के सामने लगातार 4 गेंद पर 4 चौके लगाए और अर्धशतक के करीब पहुंचने का कार्य किया। इस बीच सूर्य कुमार यादव ने अब तीसरे ओवर के अंदर ही अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इस बीच सूर्य कुमार यादव ने मुस्तफिजुर रहमान के सामने लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि उन्होंने सिर्फ अर्धशतक ही नहीं लगाया बल्कि अपना शतक लगाने का पूरा प्रयास किया, जहां पर उन्होंने अब बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के अंतिम ओवर में स्पिन गेंदबाज के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 बेहतरीन चौके और लगा दिए। इस बीच सूर्य कुमार यादव ने काफी ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए आए मेहंदी हसन के सामने लगातार 4 गेंद पर 4 छक्के लगाए और अपने शतक के करीब पहुंचे और अगले ओवर में तस्कीन अहमद के सामने लगातार 2 छक्के लगाते हुए अपना शतक भी पूरा कर लिया और अगली ही गेंद पर रनआउट होकर अपना विकेट दिया, जिसके चलते सूर्य कुमार यादव ने 32 गेंद के अंदर 103 रनों की पारी खेली। इस बीच उन्होंने 8 चौके और 9 छक्के लगाए और रोहित शर्मा के इस तूफानी प्रदर्शन को देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम T20 मैच में करने लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम मैच में सूर्य कुमार यादव कितने रन बना पाएंगे? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पहले अपनी बल्लेबाजी से जीता रिंकू सिंह ने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल और फिर अपना कीमती अवार्ड अपने गुरु हार्दिक पांड्या को देकर किया खुद ऐसा चौंका देने वाला खुलासा, जिसे सुनकर आपको भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। तो आखिर क्यों रिंकू ने अपना अवार्ड हार्दिक पांड्या के नाम कर दिया? कैसे रिंकू और हार्दिक के बीच के लम्हा सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजी से वायरल? रिंकू का वो दिल जीत लेने वाला लम्हा और उनका बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टेस्ट के बाद अब T20 में भी बज रहा है टीम इंडिया का डंका। पहले ग्वालियर के मैदान पर टीम इंडिया ने बांग्लादेश को धूल चटाई और अब दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 86 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर बांग्लादेश को शर्मनाक हार का स्वाद चखाया और इसी के साथ भारतीय टीम 2-0 से सीरीज को भी अपने नाम कर गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इस मुकाबले में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। मैदान पर उतरते नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। नीतीश रेड्डी 74 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रिंकू सिंह अकेले मैदान पर दहाड़ लगाते हुए चौके छक्कों की बारिश कर बांग्लादेश के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी और रिंकू ने इस मुकाबले में 29 गेंद का सामना करते हुए 3 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके की मदद से 53 रन ठोक दिए। अंत में हार्दिक पांड्या ने भी 19 गेंद पर 32 रनों की तूफानी पारी खेली और टीम को 20 ओवर में 221 रनों तक पहुंचाया और बांग्लादेश के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस स्कोर का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 135 रनों के स्कोर पर सिमट गई और भारतीय टीम इस मुकाबले को 86 रनों से अपने नाम कर
सीरीज को 2-0 से जीत गए। मैच के बाद इस मुकाबले में रिंकू सिंह तो तूफानी बल्लेबाजी के लिए और उनके स्ट्राइक रेट पर एक शानदार बेहतरीन अवार्ड दिया गया, लेकिन रिंकू सिंह ने महानता दिखाते हुए अपने आइडल खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को अपना अवार्ड देकर उन्हें गले से लगा लिया और ये लम्हा धीरे धीरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। हर तरफ रिंकू की तारीफ होने लगी, लेकिन अब खुद रिंकू सिंह ने इस लम्हे पर खुलासा करते हुए ऐसा चौंका देने वाला बयान दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। तो चलिए अब आपको रिंकू सिंह का वो बयान सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि उन्होंने अपना अवार्ड हार्दिक पांड्या को दे दिया। रिंकू सिंह ने हार्दिक पांड्या को अपना अवार्ड देने पर खुलासा करते हुए बताया है कि मैं टीम के लिए अपना योगदान देकर काफी खुश हूं। सभी खिलाड़ियों ने योगदान दिया, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे अवार्ड के सबसे बड़े हकदार हार्दिक भाई थे। उन्होंने पहले मैच में भी जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया और दूसरे T20 में भी अपने बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीता, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि इस अवार्ड के हकदार हार्दिक पांड्या है, जिसकी वजह से मैंने अपना अवार्ड उन्हें दिया। वैसे भी वो मेरे आइडल खिलाड़ी हैं, मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता हूं। अब तक मैंने जो कुछ भी सीखा उन्हीं से सीखा है। जिस तरह से वो गेम को फिनिश करते हैं, मैं भी उन्हीं के अंदाज में फिनिश करता हूं। वो लम्हा मेरे लिए भावुक कर देने वाला था, लेकिन अपने भगवान के सामने हर कोई झुक जाता है और मैंने भी वही किया। वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में कई। दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 मैच में आया कप्तान सूर्य कुमार यादव का तूफान मात्र 32 गेंद पर शतक लगाते हुए कर दिया सभी को हैरान। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले T20 मैच में भारतीय टीम को शानदार तरीके से जीत मिल गई है, जिसके बाद अब दूसरे T20 मैच में कप्तान सूर्य कुमार यादव का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला है। इस बीच सूर्य कुमार यादव ने 32 गेंद पर शतक लगाने के साथ मैदान पर ऐसा कहर बरसाया जिसके सामने विरोधी गेंदबाज भी अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे सूर्य कुमार यादव ने तूफानी बल्लेबाजी के जरिए शतक लगाकर सभी को प्रभावित किया, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में उनकी तूफानी पारी का वीडियो भी अब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से कौन है भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 मैच खेला गया जिसमें भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बीच भारतीय टीम को पहला झटका पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा के रूप में 0 रन के स्कोर पर लग गया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए। इस बीच अब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने संजू सैमसन के साथ मिलकर तूफानी पारी खेलते हुए सभी को प्रभावित कर दिया। इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपना खाता खोला और बता दिया कि वो आज इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं था, इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने और भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी की और गेंदबाजी करने के लिए आए मेहंदी हसन के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 चौके लगाते हुए अर्धशतक के करीब पहुंचने का कार्य किया, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के अंतिम ओवर में तस्कीन अहमद के सामने छक्का लगाते हुए मात्र 17 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इतना ही नहीं, सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतक लगाने के बाद भी तूफानी बल्लेबाजी की और शतक के करीब पहुंचने का कार्य किया। इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के काफी करीब पहुंच गए। इस बीच 10 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए मुस्तफिजुर रहमान के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 बेहतरीन चौके लगा दिए। इसके अलावा उन्होंने 12 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए शोरीफुल इस्लाम ने लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के लगाते हुए अपने शतक के काफी करीब पहुंचने का कार्य किया। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने काफी ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी करते हुए 14 ओवर के अंदर मेहंदी हसन के सामने अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ 2 लंबे छक्के लगा दिए और 99 रन के स्कोर पर अब पहुंच गए। हालांकि इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए तस्कीन अहमद के सामने डाली गई गेंद का फायदा उठाते हुए आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के बाहर लंबा छक्का लगा दिया और अपना शतक पूरा कर लिया। हालांकि शतक लगाने के तुरंत बाद सूर्य कुमार यादव ने अपना विकेट गेंदबाज मेहंदी हसन के सामने दे दिया। इस बीच कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 106 रन के स्कोर पर LBW आउट होकर अपना विकेट दे दिया। इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने मात्र 32 गेंद पर शतक पूरा किया और मात्र 34 गेंद पर 106 रन का योगदान दिया। ऐसे दौरान उन्होंने 9 चौके और 9 छक्के लगा दिए और भारतीय टीम ने 230 रन का स्कोर खड़ा कर बांग्लादेश को हरा दिया। ऐसे में इनकी अभ्यास मैच में खेली गई तूफानी पारी को देखते हुए भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और ऐसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद बांग्लादेश की टीम के खिलाफ दूसरे T20 मैच में भी करने लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दूसरे T20 मैच में सूर्य कुमार यादव कितने रन का योगदान दे पाएंगे? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
दोस्तों पहले मैच में हार के बावजूद बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के खिलाफ दिया भड़काऊ बयान, तो पलटवार कर रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव ने दे दिया मुंहतोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले T20 मैच में भारत को जीतने लगी है, जिसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को धमकाया है। इस बीच रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव ने पलटवार करते हुए एक ऐसा मुंहतोड़ जवाब जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार बांग्लादेशी खिलाड़ियों और रिंकू सिंह सूर्यकुमार यादव के बीच कौन सी की बहस देखने को मिली है, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत को बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच में जीत मिल सकती है या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच ग्वालियर के मैदान पर खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को 7 विकेट से जीत मिल गई है। इस मैच के अंदर भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को 127 रन पर ऑल आउट कर दिया और इसका पीछा कर लक्ष्य को भारी ओवर में हासिल कर लिया। ऐसे में अब भारतीय टीम को दूसरा T20 मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में 9 अक्टूबर को खेलना है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हो चुकी हैं। ऐसे में अब दूसरे T20 मैच के शुरू होने से पहले बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को धमकाया है, तो वहीं पलटवार कर रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव ने मुंहतोड़ जवाब जारी कर दिया है, जिसमें बांग्लादेश के कप्तान नजमुल संतो ने बयान जारी करते हुए कहा है कि भारतीय टीम को पहले T20 मैच में बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी के चलते जीत मिल गई है। हालांकि